हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको तीन नेम रिएक्शन कराऊंगा। फर्स्ट है हमारा हेल वोलहार्ट ज़ेलेंस्की रिएक्शन, सेकंड होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड थर्ड इटार रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में कई बार आती हैं। वो तीनों रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल वाले चैप्टर से हैं, जो क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट विद हेल वोलहार्ट ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम HCZ के नाम से भी जानते हैं, HCZ रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, हम वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें बस अल्फा कार्बन होता है, ये तो आपको बताइए होगा। मैं आपको बता दूँ, ये फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप के साइड वाले कार्बन जो होते हैं उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके साइड वाले को बीटा कार्बन कहते हैं, साइड वाले को गामा कार्बन कहते हैं। अगेन, जो फंक्शन ग्रुप के साइड वाले कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके साइड वाले को बीटा कार्बन कहते हैं, इनके साइड वाले को गामा कार्बन कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो इसमें वही लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके बाद ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, मतलब अल्फा कार्बन होता है। तो ये रहा R-CH2COH, हमने लिया, इसका नाम है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, इसे हम रिएक्ट कराते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसमें डालते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस X2, X आपको होता है हैलोजन ग्रुप है। और सेकंड में स्टेप में हम हाइड्रोलाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, सिंपल सा क्राइटेरिया रिएक्शन का, यहाँ से क्या होता है, एक एच हटके ए एक्स जुड़ जाता है। अगेन क्या होता है, ये जो हैलोजन है एक्स हमारा, यहाँ से एक एच हटता है और ये एक्स आके यहाँ पे जुड़ जाता है, ये होता है। यहाँ से सी एच टू, तो एक लड़के सी एच बचा, वो क्या जुड़ गया यहाँ पे आके हमारा एक्स ग्रुप जुड़ गया। और अभी एक्स ग्रुप क्या हमारा अल्फा कार्बन पे जुड़ा है, तो इसलिए, और एक ग्रुप के एक्स से हेलोजन ग्रुप है, तो इसलिए कंपाउंड का क्या नाम बनता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन ये जो हमारा जो एक्स ग्रुप है वो हमारा अल्फा हेलोजन पे जुड़ा है, अल्फा कार्बन में जुड़ा है, तो एक्स हेलोजन ग्रुप है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो क्या नाम बना इस कंपाउंड का, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्स आपके यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, TLBR कुछ भी, क्यों, क्योंकि एक्स यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप है। वो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, 2016 में भी आई है, 17 के एग्जाम में भी आई है। तो क्या देखा हमने, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराया, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन वाली को रिएक्ट कराया रेड फॉस्फोरस के साथ, रिएक्टिव का हाइड्रोजन किया, तो हमें क्या मिला, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ मिला। और हुआ कुछ नहीं, इसमें यहाँ से गया उसमें एक्स जुड़ गया। अब एक्स के हमारा अल्फा हाइड्रोजन पे जुड़ा है, अल्फा हाइड्रोजन पे जुड़ा है, अल्फा कार्बन भी जुड़ा है, तो और एक्स के हाइड्रोजन ग्रुप, जिससे कंपाउंड का नाम क्या हो गया, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और यहाँ पे एक्स के हाइड्रोजन ग्रुप है आपका, वो CLBR कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, वो देख, ठीक है, हम लिखते हैं इसमें होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, हम अमाइड लेते हैं, अमाइड पता है आपको R-CH2 होता है, इसमें अमाइड हो सकता है कुछ भी हो सकता है, अराइड भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है, इसमें दोनों अमाइड लेते हैं, इसमें हम वो अराइड भी हो सकती है और एल्काइल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो ये अमाइड लेते हैं इसमें हम। उस अमाइड को हम रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ और BR2 के साथ, क्योंकि ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन के साथ तो रिएक्ट कराना ही पड़ेगा। ये करते हैं, ये क्या है, अमाइड है, रिएक्ट कराते हैं। सेकंड का क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये जो सी है ये हट जाते हैं यहाँ से,
इसी सेक्शन का डिग्रेडेशन, क्योंकि यहाँ से सी डिलीट हो जाता है, डिलीट का मतलब यहाँ पे डिग्रेडेशन ही है, सी यहाँ से क्या होता है डिलीट हो जाता है, हट जाते हैं, और क्या रह जाते हैं, ये रह जाते हैं ए आर आर एन एस टू, इसे क्या कहते हैं 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि देखो लेंथ के कार्बन की कम हो गई, सीधे सी हट गया यहाँ से, तो इसी से इसी रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। और बाकी प्रोडक्ट क्या बनते हैं, साइड प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है, और प्लस एच टू ओ बनता है, ये हमारे अदर प्रोडक्ट बनते हैं। तो हमने क्या देखा, ये जो इस रिएक्शन में क्या हुआ, लेंथ जो थी कार्बन की घट गई, जो ये जो कार्बन था यहाँ से घट गया और अमोनिया का आयन दिया इसने, तो ये रिएक्शन इसमें यूज करते हैं कार्बन की, इस रिएक्शन में जो कार्बन की जो लेंथ होती है वो एक कार्बन एटम पे डिक्रीज हो जाती है। तो मैं लिखेंगे इन दिस रिएक्शन, द लेंथ ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज, इस रिएक्शन में कार्बन एटम की लेंथ घट जाती है। तो हमने क्या देखा, हमने अमाइड को रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोजन के साथ प्लस ब्रोमीन के साथ, तो क्या मिला हमारा, हमें मंडी क्या माइन मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला, सोडियम ब्रोमाइड मिला, एस्ट्रो मिला। यहाँ पे क्या हुआ, हमारी एक कार्बन से लेंथ घट गई, यहाँ पे अमाइड में कार्बन था तो ये जो कार्बन था यहाँ पे हट गया, डिलीट हो गया यहाँ से, डिलीट होता है डिग्रेडेशन होना, ठीक है ना, हट गया यहाँ से और हमें क्या मिला, अमाइड मिल गया। हाँ, इसमें हम इसी रिएक्शन को बोलते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमाइड ब्रोमाइड के लिए हुआ डिग्रेडेशन, कार्बोनेट घट गई और होफमैन जिस साइंटिस्ट ने किया उसका नाम था और रिएक्शन ये हुआ ही है, इसलिए रिएक्शन का पूरा नाम पड़ा हमारा होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में लैंड जो होती घट जाती है, यहाँ पर अमाइड में कार्बन था वो यहाँ पे घट गया और 1 डिग्री अमाइड मिला हमें, तो ये था हमारा ऑफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा इटार्ड रिएक्शन, ये भी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन। सेक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम टॉलिन लेते हैं, बताए पहले भी हम मिथाइल ग्रुप से टॉलिन कहते हैं, इसमें होने टॉलिन, इसमें हम टॉलिन को रिएक्ट कराते हैं 2 मोल्स ऑफ CrO2 CrO2Cl2 के साथ, और CH2 जो होते हैं मीडियम होते हैं, और इस कंपाउंड का नाम क्या है ना, क्रोमाइल क्लोराइड है, जारमेट इम्पोर्टेंट होता है क्रोमाइल क्लोराइड, और ये क्या है ना माइल्ड ऑक्साइड एजेंट है, यानी कमजोर ऑक्साइड एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्साइड एजेंट है, कमजोर ऑक्साइड एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग से थोड़ा काफी माइल्ड है, ठीक है ना, ठीक है ना, माइल्ड है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें एक बात समझना है, यहाँ पे थोड़ा टॉलिन है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है, ऐसे करके इसे दिखा सकते हैं, है ना, हाँ हमें हमने इसे दिखा दिया। इसमें क्या होता है, ये 2 मोल है क्रोमाइल क्लोराइड के, तो जो 1 मोल जो होता है हमारा इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और 1 मोल हमारा इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, अगेन 1 मोल हमारा इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और 1 मोल हमारा इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ये सिस्टम होता है यहाँ पे, ठीक है ना, हाँ। तो अब समझ आ गया, ये बहुत समझने वाली बात है कि 1 मोल हमारा क्रोमाइल का क्लोराइड का इससे हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और एक इस पर अटैक करेगा, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे रह जाएगा, तो ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मैं बता दिया कि आपको हम टॉलिन कैसे लिख सकते हैं, जैसे ऐसे बता दिया था, तो देखो क्या होगा, 1 मोल इसका इस पर अटैक करेगा, कोई इसके इस पर अटैक करेगा, देखो अभी जुड़ेगा कैसे, हम ना Cl को एस के साथ लेंगे जिससे HCl बन जाए, तो क्या होगा, Cl को जोड़ देते हैं HCl2 जोड़ दिया, अब क्या हो जाए CrO हो जाए, 2 बजे इसे मैसेज जोड़ते हैं O CrO HCl2, ठीक है ना, देखो 2 क्रोमियम भी जुड़ गए और 2 ऑक्सीजन भी जुड़ गए, ठीक है ना, 4 ऑक्सीजन थे ना, 4 जुड़ गए, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, O CrO HCl2 जुड़ गया, तो जो कंपाउंड है इसे बोलते हैं क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड होने क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो बस समझ आई ना, हमने Cl को ऐसी बात होने से HCl बन जाए और ये CrO2 था तो हमने ऐसे खोल के लिख दिया था, क्योंकि CrO2 को हम 2 CrO2 तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे CrO2 हो तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं O CrO,
मैंने भी बात हुई है तो वही हमने किया यहाँ पे वही किया। तो हमने कैसे जो सीआर ओ सीआर ओ दो क्रोमाइल थे क्रोमियम थे तो दो क्रोमियम आ गए और दो और चारों सिंधे तो एक दो तीन जगह आ गए तो क्या हम लिया क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स बन गया। और जो मैं क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स में फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं फर्दर हाइड्रोलाइज जब इसे करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा पेंसल्डिहाइड बन जाता है ये सारा रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है हमारा पेंसल्डिहाइड बन जाता है ठीक है ना। तो हमने क्या किया हमने टॉलिन को रिएक्ट कराया क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सीएच2 जो मीडियम था तो हमें क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स मिला एंड जब फर्दर हमने उसका हाइड्रोलाइज किया तो हमें बेंजाल्डिहाइड मिला। तो यही था एडाड रिएक्शन और ये रिएक्शन में वही कई बार कन्वर्जन में आया था कि हाउ कैन वी कन्वर्ट टॉलिन इनटू बेंजाल्डिहाइड। तो सीधा हम एडाड रिएक्शन लगाएंगे क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे मीडियम सीएच2 क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स बनेगा हाइड्रोलाइज करते ही बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। तो ये यही थी हमारी एडाड रिएक्शन फ्रेंड्स यही थी आज हमने तीन रिएक्शन देखी हाइड्रोलाइट जेलिंग की रिएक्शन होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड एडाड रिएक्शन। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स मेरी और भी वीडियोज है अगर आप उन्हें देखते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उन्हें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर कॉपरेटिंग मी।